खंडाली उसमें भाई क्या जी हो अच्छा बैर पर क्या फिर भी गुड आफ्टरनून, कैसे आप सभी? होप सभी ठीक होंगे और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत पहाड़ी व्लॉग्स में। और आ चुके हम नए डेली व्लॉग के साथ दगड़ियो। तो काफी दिन से व्लॉग बनाए नहीं थे, मैं वो हल्दुखाल की वीडियो डाल रहा था, मेरे पे काफी सारी वीडियो हो गई थी डालने के लिए। और फिर उसके बाद ये बाघ का जो आतंक हो रखा है वो मैंने आपको बताया। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता था फिर से कि मतलब बहुत ज़्यादा डर बन चुका है इस चीज़ का हमारे गांव में और सभी गांव में काफ़ी खतरा हो चुका है इस चीज़ का। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो डाली। और दगड़ियों अब मैं चलता हूँ ऊपर दादी लोग के घर पर जहाँ पर आज अरसे बनेंगे। अरसे दगड़ियों हमारे पहाड़ के ना मतलब मिठाई होती है मिठाई, तो अभी चलते हैं आपको बताएंगे आज की हमारे गाँव की जो ये मिठाई होती है, ये पहाड़ों की मिठाई ये कैसे बनती है और आपको परिचय कराएंगे हर एक चीज़ से। तो चलते हैं ऊपर दादी लोगों के घर पे। पकड़ियो हम जा रहे हैं दादी लोगों के घर पे और ये हमें देखो मिल चुके बूढ़े दादाजी। हाँ भाई रौनक हो नजारा हो और दौड़े देखो यहाँ पर बढ़ने आड़ से कुटेली छो नहीं नमस्ते दे तो मिल जाएगा। ओ चाची बताओ भाई कैसे बनते हैं अरसे, चाची बताएगी अब हंसना नहीं है बताना है, बताओ चाची आपकी नाम सर हो। हाँ वो तो पता है गाइस कि चाचा की शादी के लिए अरसे बन रहे। तो देखो ये चावल बिगा रखे, कब बिगाए थे? कल शाम से। कंडाली क्यों रखे? खंडाली उसमें भाई क्या जी हो अच्छा बुआरी पर क्या पर क्या पर क्या पर लोगो बढ़ दी अच्छा चौ पर अच्छा गाय वो सफेद है ना सफेद चीज, तो सफेद चीज को ऐसे बाहर ओपन में नहीं रहते तो इस वजह से बोली बल की सफेद चौ पर जो खाले पर हर पड़नी आल तेरे कड़े दे रहे कड़े। देखो तो बड़े पहले ना इसको ऐसे कूटते है, अरे इसको क्या बोलते है चाची है इसे क्या बोलते हैं? गंजोल। इसको बोलते हैं गंजोल। इसको बोलते हैं गंजोल और जिसमें कूट रहा है उसको बोलते हैं उरखोल। वीडियो बनाने वाले मूर्ख है। और देखो ये देखो मम्मी देखो इसको ना साफ कर रही है ऐसे तो थोड़ा बारीक करते हैं कूटने लगे बिल्कुल बिल्कुल देखा तुम्हें लोग आगे नीचे लोग ऊपर क्या यार तुम और दगड़े देखो ये बुआ है वो बुआ नमस्ते दिल तो बोले नमस्ते बेटा ठीक हो अभी बिल्ली बोल रही है तो ये तो बेइज्जती कर रही है ये हंसने लगती है बस। हाँ सूत्रों के अनुसार पता चला है कि तीन जगह पे कूट रहे चावल एकदम बहुत सारे अरसे बनाने। और दाई नमस्ते और हम पहुंच चुके हैं दगड़े दूसरे स्टॉप पे और दगड़े देखो यहाँ पे भी ओ नमस्ते 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 नागर यार नहीं नमस्ते हाँ तुम ठीक ठाक और ये देखो दगड़े नहीं नमस्ते दगड़े अब हम जा रहे हैं तीसरे उरखोल के सामने जहाँ पर ऊपर गांव में वहाँ भी हो रहे एकदम वहाँ पे चावल कूट रहे क्या था। और देखो दगड़े पीछे दिख रहा है आपको वो है फौड़ बोलते उसे फौड़ जो मैंने आपको पूजा दीदी की शादी में भी दिखाया था। और हम यहाँ पर भी जाएंगे यहीं पर ही असली में अरसे बनेंगे मतलब जो होता है ना मेन प्रोसेस अरसों को तलने का वो सब यहीं पर ही होगा एकदम चूल्हा उल्हा बना रखा होगा उन्होंने। तो पहले चलते ऊपर गांव में चलो दौड़े यहाँ पर भी एकदम दम 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 आवाज आ रही है कूटने की उरखोल में तो बोलते हैं पदानुखा मतलब यहाँ प्रधान जी लोग रहते हैं उन लोगों के यहाँ और ये भी प्रधान जी हमारे दादाजी नहीं नमस्ते नहीं नमस्ते गोनी खोनी बोल बोल गोर खोल दरी दही नमस्ते दही नमस्ते दही नमस्ते रोकड़ा खा रे दादी तुम कदा पौने घाट से बढ़ाए लिए अब तक बताओ तुम बताओ दाई नमस्ते दाई सुन नहीं पहले नमस्ते बता ले दादी तुम कदा पौने बनाए लिया सर ना फिर भी बुआ दादी आप गिला तुम सर आप बहुत खिला बोले बोलो
20 30 पौने मतलब 40 जन्मू सब बाधा अच्छा सब को व्यवहार बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ दादी, बहुत एक्सपीरियंस है क्या? अच्छा क्या बिल्कुल टेक्निक से मरण पड़ता है कि जरा बैर भी नहीं आमिचो ये बैठ चल के जान सारा बैर देखो दगड़े एकदम वन बाय वन। दादी ये यू चौमनी करने के लिए दे रही, यू चौम करने के लिए दे रही, तुम ले दे रहे थी उल मूड करने दे रहे चौम के लिए क्या पर अच्छा सब चीज पर दी मिल वाजन बार पर वहां से जा बोल अब एक ग्लास पानी ले दी पूछे बुआर मिलन भी नहीं मां अब तो पहले रेडीमेड हर बना हुआ पर चलो तब तुम उठा मम्मी भी ओके गाइस बाय बाय। तो झगड़े हो दादी लोगों ने तो मतलब काफी ज्यादा मतलब शादियों में वो बना चुके हैं अर से और अब हम चलते हैं नीचे गांव में जहाँ पे फाड़ बना रखा है। झगड़े हो देखो वो दिख रहा है आपको उसको बोलते फाड़। मैं अब ये लेने के आया हूँ ये पिछू ये बोलते पिछू है ये कूट काट एक धेरा एकदम छान छुनिक धेरो जरा ये दे ये दे दे अब लेके चलते दौड़े इसको ऊपर। ये देखो गुड़ इनको पहले तोड़ रहे छोटे छोटे टुकड़ों में तवे बाजू थे इन गरम करण है दाजी। अब बताओ दाजी जरा कन बनाने थे कन कन उन्हें जरा बोले क्या बोल देगा ताग अच्छा इसमें जो चावल का बना रखा है कूट के वो डालना है इसमें बोल कब तक होने देना है इसको कब तक होने देना है इसको अच्छा चाशनी की तरह अच्छा तब उसके बाद दगड़े उसमें वो डालना है और इसी जो ये दिख रहा है इसको क्या बोलते दादी इसको डबल डबल ये डबल वाल। और दगड़े देखो यहाँ पे तेल भी रख दिया गर्म होने के लिए वो भी तेल है अच्छा बट से एकदम गून गान के हो जाएंगे तैयार बेल बूल के तो इसमें एकदम तलना है उनको अभी दिखाएंगे आपको। देखो दगड़े ये देखो कैसा हो गया बिल्कुल तैयार हो गया है दादी बहुत टाइम लग रहा है कन रंग उड़ चाहिए लाल रंग है लाभ बिल्कुल दगड़े देखो एकदम स्पीड से करना पड़ता है बोल मियो जो आग जला मियो ये डाल दिया है इसमें सौंफ भी और अजवाइन भी सौंफ और अजवाइन डिंडा नहीं पड़ दिए पर डिंडा ना मतलब नहीं अगर हाथल कब करना था
नाना पूछो मैं तो पूछो गर्म देखो दौड़ ऐसे बनते हैं अरसे। ये देखो दगड़ो पड़े पे लगा रखा तेल ताकि चिपके ना इस पे। ये साइड साइड चिपक रहा है। और अब देखो दगड़े हाथ से सुन शुरू तो दगड़े अब अरसे बनाने की मेन प्रोसेस शुरू ना लिए बिल्कुल हो चुकी है सभी तैयार। ये इसमें बेलना है पहले दगड़े खान मकड़ बना देखो दगड़े ये खान मकान से खान मकान चीन जो मुड़ दे रहा पहले ऐसे गोले बनाने तो इन करना बिल्कुल इन रॉड वन मेरे फोटो बिगाड़ो मां हो बिल्कुल बिल्कुल ये सब मुन्ना ले दो मां तेज तेज दिल्ली हमारे लोड जगला बोला दाजी का इधर आज बिल्कुल 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 तुम्हारा देखी पहचान ले तुम तो हाँ तुम और दगड़े और से हो चुके तैयार। पटियाला पैक पहल चावल ब्राउन को केने पीना चे तो पीलो तुम पीछे जीत कर गया तुम वो बिल्कुल दोबारा से ये दूसरा ताग है। सभी लोग आ चुके हैं और बाढ़ से बनने हो चुके हैं शुरू दगड़े और तब देखो बाड़ा जी भी आ गए और इसी तरह अरसे बनेंगे बहुत सारे। आप तो नहीं हो फोटो खींचने की दिक्कत नहीं जा पर से तुम बिगड़ वाले राम रोल चले गए तुम राम रोल लिए जा रहा सॉरी सॉरी रे बाड़े जी मजाक करो मित्र भाई बात कर जा ये सुधीर कर दो तू जरा की उम्र पूरी आलम सब हम आ तो चला सामान नहीं जड़ दगड़े ऊपर बनने लग गए अरसे। अब मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे बनते हैं अरसे। अगर कुछ अलग तरीके से बनते हैं आपके गांव में अरसे तो आप कमेंट्स करके बताइए मुझे कि आपके गांव में किस तरह से बनते हैं अरसे। और अब वैसे जैसे मैंने आपको दिखाया प्रोसेस सेम प्रोसेस अब वो बार बार करेंगे मतलब ये चावल को फिर कूटेंगे दोबारा से और चावल करेंगे फिर उसके बाद जो वो गुड़ का बना रहे थे चाशनी टाइप का हल्का हल्का वो फिर दोबारा बनाया अभी दोबारा बना दिया फिर तिबारा बनाएंगे और फिर ऐसे ही उसके बाद उनका एकदम मतलब तैयार करके और अरसों को तलेंगे और फिर निकालेंगे। तो ऐसे ही बस अरसे बनते हैं हमारे गांव में दगड़ियों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें और दगड़े मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय टेक केयर।